अगर आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको बर्ट्रेंड रसेल का ट्रू सक्सेस टॉपिक कहीं पर नहीं मिला, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि बर्ट्रेंड रसेल का ऐसा कोई भी वर्क नहीं है ट्रू सक्सेस जिसका टाइटल हो, यानी कि बर्ट्रेंड रसेल ने ट्रू सक्सेस नाम से कोई भी वर्क नहीं लिखा है। अब आप इस वीडियो को देखना यहीं पर एंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम इनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जाने, इनके बारे में थोड़ा सा जाने, इनके वर्क्स के बारे में जाने, तब आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दीपक परमार, और आज के इस लेक्चर में आपके मन में चल रहे इस डाउट को मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है। देखिए, बर्ट्रेंड रसेल का ये जो टॉपिक है, ये MPPGT ग्रेड 1 के सिलेबस में मेंशन है। यूनिट 18 का जो टॉपिक दे रखा है, प्रोज आपको यूनिट 18 में पढ़ना है, जिसमें आपको एक टॉपिक दे रखा है बर्ट्रेंड रसेल ट्रू सक्सेस। लेकिन क्योंकि बर्ट्रेंड रसेल ने इस नाम से कोई भी वर्क नहीं लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल चुका होगा। आज के इस लेक्चर में हम इनकी बायोग्राफी को कवर करेंगे, इनके कुछ वर्क्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बर्ट्रेंड रसेल का फुल नेम क्या है? इनका पूरा नाम है बर्ट्रेंड आर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रेंड आर्थर विलियम रसेल, कभी कभी एग्जाम में फुल नेम भी पूछ लिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन एंड ए सोशल क्रिटिक। ये एक मैथमेटिशियन रहे हैं, मैथमेटिशियन के रूप में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी इन्होंने गेन की है। ये एक लॉजिक क्रिटिक भी रहे हैं। ये 20th century के एक राइटर है, 20th century यानी कि मॉडर्न पीरियड के राइटर है, जिनका बर्थ हुआ था 18th May 1872 को। बर्थ का प्लेस है आपका ट्रेलेक, मोनमाउथशायर, वेल्स। इनकी डेथ हो जाती है 2nd February 1970 को। इनकी डेथ का जो शहर है, इसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। वेल्स नाम का जो एक शहर है, उसके अंदर इनकी डेथ होती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो ही केम ए प्रोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी कि ये एक ऐसे राइटर थे जो काफी अमीर थे, अमीर घराने से आते थे। मैं आपको बता दूं कि इनके जो ग्रैंडफादर है ना, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये एक अमीर घराने से आते थे। बचपन में माता पिता की डेथ हो जाती है, माता पिता का प्यार इनको मिला नहीं, लेकिन हाँ, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार इनको मिला, और ग्रैंड पेरेंट्स के पास में इनकी अपब्रिंगिंग होती है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, कैम्ब्रिज से। बीए की डिग्री इन्होंने ली है 1893 में, जहाँ पर वेयर ही बिकेम इन्वॉल्व विद द इंटेलेक्चुअल ग्रुप। एक ग्रुप के साथ ये इन्वॉल्व थे, उस ग्रुप का नाम है कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लॉजिक एंड फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स, इंक्लूडिंग हिज कोलैबोरेशन विद अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। इनका एक मोस्ट फेमस वर्क आया था, प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। ये वर्क आपको ध्यान रखना है, 1910 से 1913 के बीच में इस वर्क को लिखा गया, और ये इनका एक कोलैबोरेटिव वर्क था अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड के साथ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। रसेल वॉज एन एडवोकेट फॉर द सोशल एंड पोलिटिकल रिफॉर्म एंड बिकम एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द वेरियस मूवमेंट। मैंने अभी अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो टॉपिक है, जो आपके यूनिट 16 में दे रखा है, उसको अभी फिनिश किया है, वो आपको हमारे पेड कोर्सेस में मिल जाएगा। मैंने आपको मॉडर्न एज के बारे में बताया था कि किस तरीके से वर्ल्ड वार से पूरी दुनिया ग्रसित थी। वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड था, 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार फर्स्ट चला। ये राइटर जो है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ा है वर्ल्ड वार का। ये एक पेसिमिस्ट राइटर है। पेसिमिस्ट होता है द पर्सन हु अगेंस्ट द वार, यानी कि ये कभी नहीं चाहते कि दुनिया में आगे कोई वार हो, है ना, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। एंटी इंपीरियलिज्म एंड द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स, यानी कि ये साम्राज्यवाद विरोध के खिलाफ है। ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश युद्ध के अंदर परमाणु का, यानी कि न्यूक्लियर जो वीपन्स है, उनका प्रयोग करे, है ना। तो ये पेसिमिस्ट है, ये एंटी इंपीरियलिज्म है, ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करते हैं। ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, ऑथरिंग न्यूमरियस बुक्स एंड एसे ऑन ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, इंक्लूडिंग फिलोसॉफी, लॉजिक, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। इन सारे टॉपिक्स पर लिखना इनको पसंद था। भर भर के किताबें इन्होंने लिखी है, काफ़ी ज़्यादा वर्क्स इन्होंने लिखे हैं, लेकिन सारे वर्क्स आपको नहीं पढ़ने हैं। कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स जो एग्जामिनेशन में पहले कभी पूछे गए हैं, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1950 में। माना कि ये एक मैथमेटिशियन थे, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके लिटरेचर के फील्ड की वजह से, यानी कि लिटरेचर में इनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इनको 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया था। 2nd February 1917 में इनकी 70 में इनकी डेथ हो जाती है। 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आपको इनके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स 1903 में ये इनका वर्क आया था, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वर्क है ये इनका। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी 1912 में ये आया था।
प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ये एक इनका मैंने आपको बताया था कि एक कोलेबरेटिव वर्क है। इनके कोऑथर रहे हैं अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। तो ये वर्क 1910 से 1913 के बीच में लिखा गया, जो कि कई सारी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड 1914, इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिकल फिलोसॉफी 1919, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन 1927 में ये वर्क इन्होंने लिखा था। मैं आपको बता दूं कि इनके ये जो राइटर है ये एक ऐसे राइटर है जिनकी थिंकिंग अलग थी बाकी लोगों से, है ना, कुछ अलग टॉपिक पर ये लिखा करते थे। ह्यूमन नॉलेज एंड इट्स स्कोप एंड लिमिट्स 1948 में ये वर्क इनका आया था। इनका एक एसे का कलेक्शन आया था इन प्रेस ऑफ आइडलनेस एंड अदर एसे 1935 में, जिसमें हमें इनके कुछ वर्क देखने के लिए मिलते हैं लाइक ट्रू बिलीवर, जो कि एक एसे था। इनका एक मोस्ट पॉपुलर एसे है अनपॉपुलर एसे, यस मोस्ट पॉपुलर एसे है ये, लेकिन ये अनपॉपुलर एसे इसका टाइटल है, जो आया था 1950 में। उम्मीद कर रहा हूँ कि इनके वर्क्स को आप समझ पा रहे होंगे। ये वर्क्स आपको एक कॉपी पर लिखना है ताकि आप इनका इनकी डेट याद रख पाएं और आप ये याद रख पाएं कि ये वर्क किस राइटर के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है तो आपको इनकी बायोग्राफी को अच्छे से कवर करना चाहिए। अब मैं कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करूंगा जो इनको मिले हैं। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1950 में लिटरेचर के फील्ड में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो दिया जाता है। डी मॉर्गन मेडल एक अवार्ड है जो 1932 में इनको मिला था। सिल्वेस्टर मेडल ये इन्हें मिला था 1934 में। कलिंगा अवार्ड, कलिंगा प्राइज, ये इन्हें 1957 में मिला था। और जेरूसलम प्राइज 1963। दोस्तों यहीं पर बर्टेंड रसेल को, इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर इन्होंने तो चार शादियां करी थी, उनका नाम तो बता दो। तो देख लीजिए इनकी वाइफ का नाम है ना एलिस, एलिस पियरसेल स्मिथ, इनसे शादी करी इन्होंने 1894 में और डाइवोर्स दे दिया 1921 में। फिर से 1921 में दूसरी लड़की इन्हें पसंद आ जाती है, डोरा ब्लैक, है ना, ब्लैक भले ही है लेकिन वाइट थी है। डोरा ब्लैक इन्हें पसंद आती है, 1921 में इनसे शादी होती है और 1935 में इनका डाइवोर्स हो जाता है। फिर फाइनली एक साल बाद 1930 में ये तीसरी शादी करते हैं 1936 में पेट्रिसिया स्पेंस के साथ, लेकिन उनके साथ भी ज़्यादा बन नहीं पाती है इनकी, 1952 में इनका डाइवोर्स हो जाता है। और फोर्थ मैरिज ये करते हैं अपने लाइफ में एडिथ फिंच के साथ में 1952 में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके मन में जो डाउट चल रहा था। अच्छा, आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है तो क्या सर हमें इनके किसी दूसरे वर्क को पढ़ना चाहिए का, मैं कहूँगा नहीं, आपके सिलेबस में इतने ही वैसे ही इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, आपको उन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। बेवजह आपको समय मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस टॉपिक को सर्च करने में। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं आप एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।